आकाशवाणी जम्मू ऐ हुन तुस विजय बजाज कोला खबरां सुनो। संसद दे बरसाती आले इजलास दे अज्ज पैह्ले दिन भारत दे 16वें राष्ट्रपति हुंदे चुनां लेई बड्डलै 10 बजे थमां गै वोट पोआए जा करदे न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सभनें शा पैह्ले वोट पाया। मतदान दी एह् प्रक्रिया अज्ज संझां 5 बजे तगर जारी रौह्ग। राष्ट्रपति हुंदे औह्दे लेई द्रौपदी मुर्मू होर एनडीए दियां मेदवार न, जिसलै कि बरोधी पार्टियें यशवंत सिन्हा होरें गी सांझा मेदवार बनाए दा ऐ। इस मतदान च मतदाताएं दी कुल गिनतरी 4809 ऐ, जिंदे चा 776 संसद सदस्य न ते 4033 विधानसभाएं दे सदस्य न। वोटें दी गिनतरी 21 जुलाई गी कीती जाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुंदा कार्यकाल 24 जुलाई गी मुक्का करदा ऐ। संसद दा बरसाती आला इजलास अज्जै थमां शुरू होआ करदा ऐ। एह् सत्र 12 अगस्त तगर चलोग। 16 दिनें दे इस सत्र दौरान कुल 18 बैठकां होंगन। 32 विधेयक सत्र दौरान आनने आस्ते रखे गेदे न, जिंदे चा 14 गी खीरी रूप देई दित्ता गेदा ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें संसद भवन च वरिष्ठ मंत्रियें कन्नै बैठक बी लाई ऐ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें मेद जाहर कीती ऐ जे संसद दा बरसांती आला इजलास बेहतर ते लाहकारी होग। इजलास शुरू होने शा पैह्ले इक बयानै च श्री मोदी होरें आखेआ जे संसद खुल्ले दमाग कन्नै चर्चा करने दा इक मंच ऐ। उनें सब्भनें संसद सदस्यें गी आखेआ जे ओह् चर्चा च पक्क गै हिस्सा लैन। प्रधानमंत्री होरें गलाया जे एह् इजलास इस करी बी मता महत्वपूर्ण ऐ की जे राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति हुंदे चुनां भी इस इजलास दौरान गै होआ करदे न। पुंछ जिले दे मेंढर सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके च इक धमाका होने करी फौज दा इक कैप्टन ते जेसीओ शहीद होई गे न, जिसलै कि 4 होर जने जख्मी भी होए न। फौज दे इक प्रवक्ता ने दस्सिया जे एक ग्रनेड गलती कन्नै फटी गया जिसलै एह जवान अपनी ड्यूटी दे आरदे हे। धमाके दे फौरन मगरा जख्मी सैनिकें गी फौरी तौर पर हैलीकाप्टर राएं उधमपुर आनेया गया, जित्थें जख्मी दी तार नेईं चढ़दी होई इलाज दौरान इक अफसर ते इक जेसीओ ने दम त्रोड़ी दित्ता। उंदी पंछान कैप्टन आनंद ते नायब सूबेदार भगवान सिंह दे तौर पर कीती गई है। भारत ने 18 महीने अंदर 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह टीकाकरण अभियान पिछले बरे जनवरी महीने शुरू किया गया है। विश्व सेहत संगठन WHO ने भारत के 200 करोड़ टीके लाने की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर भारत की बधाई दी है। तोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें यह उपलब्धि हासिल करने पर सभनें देशवासियों की मुबारकबाद दी है। उन्हें आखिया जे भारत ने एक बारी परतियै इतिहास रची दिता है। प्रधानमंत्री होरें आखिया जे उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान की कामयाब बनाने च योगदान देने आले सभनें प्रमाण है। मोदी होरें इब्बी आखिया जे एह्दे कन्नै कोविड-19 खिलाफ वैश्विक लड़ाई की होर मजबूती हासिल होग। मुल्ख भरै च चलाए जा'रदे कोविड टीकाकरण अभियान तैह्त अजें तगर 200 करोड़ शा बद्ध टीके लाभार्थियें गी लाए जाई चुके दिन। पिछले 24 घंटें दौरान गै 4,46,000 थमां बद्ध टीके लाए गे न। मुल्ख भरै थमां पिछले 24 घंटें दौरान कोविड-19 दे 16,69 नमें मामले सामने आए न। पिछले 24 घंटें च गै कोविड दे सक्रिय मामलें च 815 मामलें दा बाद्धा दर्ज कीता गेआ। अजें तक्कर इस लाग्याकारी मुल्ख भरै च 5,25,760 मरीजें की मौत होई चुकी दी है। इस लागे थमां ग्रस्त मरीजें दे ठीक होने की दर 98.47% है। ताईं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर थमां कल कोरोना वायरस के 203 नमें मामले दर्ज सामने आए। इंदे चा 111 मामले जम्मू डिवीजन थमां, जिसलै कि 92 मामले कश्मीर घाटी के बक्ख-बक्ख हिस्सें थमां दर्ज कीते गए। केंद्री मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होरें युवा IAS अधिकारियें गी 2047 दे भारत गितै उंदी भूमिका दा चेता दोआया ऐ, जिसलै भारत अपनी आजादी दे 100 बरें दा जशन मना करदा होग। उनें आखेआ जे युवा होने दे चलदे इनें अधिकारियें गी एह मौका हासल होआ करदा ऐ जे ओह भारत दे सुनहरी भविक्ख दे निर्माण च अपना अनमुल्ला योगदान देन। डॉ. सिंह होरें इब्बी आखेआ जे सरकार गी आम बसनीकें दे अनुकूल बनाने गितै एह जरूरी ऐ जे अस टैक्नोलोजी दा बद्धोबद्ध इस्तेमाल करचै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर इस महीने की 31 तरीक की आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात राए लोकें कन्ने विचार सांझे करंगन। इदे लई प्रधानमंत्री होरें लोकें थमां उंदे सुझा ते विचार भी मंगे दे न। इदे कन्ने गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त हुआ।